देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी एन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए यूनियन सी. हमको दिया हुआ था कि दोनों के यूनियन जो है वो क्या है, इक्वल है. मैं लिख लेता हूँ, देखिए ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमको दिया हुआ है. और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ हमको दी हुई है. ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी, मतलब बी के और सी जो तो हैं दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. तो देखिए ये चीज़ ऑब्वियस है कि अगर यूनियन सेम है दोनों का और दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम है तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम ही होने वाली है. बट उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं अपने. देखिए कैसे, मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी. मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पे इंटरसेक्शन सी किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो देखिए इस इधर मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. जो इंटरसेक्शन सी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए यूनियन सी, ये कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सी आएगा ही आएगा. ठीक है, और देखिए इंटरसेक्शन सी, तो मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर तो सी होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो मतलब ये इस पूरी वैल्यू क्या होगी, सी, बिकॉज इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है. ठीक है, और इसमें ऑलरेडी सी होगा बिकॉज ए यूनियन है, तो सी तो होगा ही होगा, तो सी इंटरसेक्शन सी दैट इज सी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से अब मैं बोलता हूँ, देखिए ए इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज सी. मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, इसको एक मैं बोलता हूँ लेट दिस बी वन, एज इट इज इसको अभी रख लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे वापस ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये था हमारे पास. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे इंटरसेक्शन करता हूँ बी के साथ, इंटरसेक्शन बी, पहले सी के साथ क्या था वही काम करूंगा, इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों, सिमिलर लॉजिक के इसमें बी होगा ही होगा और बी के साथ ही इंटरसेक्शन होगा, तो ये तो बी हो गया. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वापस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये चलेगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसको मैं टू बोल देता हूँ एक बार, तो वन इक्वल टू टू, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आ गया बी इक्वल टू सी, जो हमको प्रूफ करना था.